और राजधानी दिल्ली के बेखौफ बदमाश अब पुलिस को ही शिकार बनाने लगे हैं। बीते चार महीनों के दौरान ऐसे हमले में चार पुलिस वाले अपनी जान गंवा चुके हैं। बीती रात रोहिणी इलाके में बदमाशों की फायरिंग में एक पुलिस वाले की जान चली गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन उसका सारा अमला इस वारदात से सन्न है। सम्मान में झुकती बंदूकें और सलामी दिल्ली पुलिस के बहादुर जवान जगबीर के लिए। जगबीर को बीती रात रोहिणी के विजय विहार इलाके में बदमाशों ने अपनी गोली का शिकार बना दिया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते जगबीर की देह ठंडी पड़ चुकी थी। वाकया रात करीब 2 बजे का है। दिल्ली पुलिस के दो कांस्टेबल जगबीर और नरेंद्र गश्त पर थे। अचानक उन्हें ऑटो में सवार चार लोग नजर आए। जगबीर और नरेंद्र को कुछ शक हुआ तो पूछताछ के लिए उन्हें थाने चलने को कहा, लेकिन इसी गली में थोड़ी दूर जाने के बाद बदमाशों ने ऑटो रोका और जगबीर से भिड़ गए। देखते ही देखते देसी तवंचा निकालकर जगबीर की छाती में गोली मार दी। जगबीर का साथी नरेंद्र मदद के लिए थाने की ओर बढ़ा तो बदमाशों ने उसे भी गोली मार दी। इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं ये इस बात को इंडिकेट करता है कि पुलिस वाला रात को टाइम पे अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से कर रहा है और किसी भी चीज को वो चांस पे नहीं ले रहा है। दोनों पुलिस वालों को अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने जगबीर को मृत घोषित कर दिया। नरेंद्र का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मृतक जगबीर 15 साल सेना में गुजारने के बाद 2008 से दिल्ली पुलिस की सेवा में था। जगबीर बहुत अच्छा था, अपनी रोटी बढ़िया करता था, परिवार में मिलके रहता था, अपना घर बढ़िया बसा रखा था। पहले आर्मी में नौकरी किया था, 15 साल नौकरी करके रिटायर होके यहाँ आए थे, यहाँ नौकरी लग गया था। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बेखौफ अपराधी लगातार पुलिस वालों को अपना निशाना बना रहे हैं। बीते चार महीने में चार पुलिस वाले अपनी जान गंवा चुके हैं। 16 जून को गाड़ी रोकने पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल को गाड़ी से कुचलकर मार डाला गया। 14 जुलाई को शिवराज तोमर नाम के कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 28 सितंबर को जाफराबाद इलाके में एक कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 अक्टूबर को कांस्टेबल और होमगार्ड को द्वारका इलाके में गोली मार दी गई। 11 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में पुलिस वालों पर फायरिंग की गई। फिलहाल इस वारदात से दिल्ली पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी खुद भी मौके पर पहुंचे और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल भी जांच में जुटी है। पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज भी लगा है जिससे अपराधियों का सुराग मिलने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस ने अपना एक जाबाज जवान तो खो दिया है, अब पुलिस की एक कोशिश है कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को गिरफ्त में लाकर उनके किए की सजा दिलाई जा सके। पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IPN 7।